तो अब दिल्ली का रुख करते हैं। हमने बात करी मुंबई की, तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके मुताबिक बीते 24 घंटों का औसत AQI बढ़कर 392 दर्ज हो गया है। तो जिस तरह से ख़राब हो रही है हवा, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम आपने सुना मुंबई का हाल, दिल्ली का हाल भी आप देख रहे हैं, आप ये बताइए दर्शकों को क्या कहेंगे, क्योंकि हम ग्राफिक्स के ज़रिए किस तरह से कितनी हॉटस्पॉट्स बन गए दिल्ली में, वो पॉकेट्स से उनका दिखाएंगे कि AQI इतना बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या करें इस समय में लोग, क्योंकि रिपोर्ट्स ये तक आ रही हैं। अब आपने एम्स की रिपोर्ट भी देखी होगी, फिर आप ये भी जानते हैं किस तरह से जो बच्चे जिन्होंने जन्म तक नहीं लिया है वो तक प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। क्या असेसमेंट क्या है आपका भी सिचुएशन के ऊपर, दिल्ली NCR आसपास जो खराब हो रही है हवा उस पर? निधि जी, पहले तो आपका और NDTV का मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, अभी जो आप सभा जी और रितेन जी से बात कर रही थी, तो आपने एक मेंशन किया था कि ये उत्तर भारत में बहुत मेजर प्रॉब्लम है, तो एक छोटा सा करेक्शन मैं वहां करना चाहूंगा कि शायद आज से 10 साल पहले ये स्टेटमेंट सही था कि ये समझा जाता था कि ये उत्तर भारत की प्रॉब्लम है, बट लेट मी टेल यू 98% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अवर कंट्री टुडे इज अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अब सडनली मुंबई कई बार दिल्ली से आगे होता है, नहीं तो बहुत क्लोज कंपटीशन कर रहा होता है। आप चेन्नई लीजिए, कोलकाता लीजिए, बैंगलोर लीजिए, हैदराबाद लीजिए, और फॉर दैट मैटर इन सब स्टेट्स के छोटे छोटे टाउन्स भी लीजिए। तो निधि, जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं या उनसे ऊंचे जो हमारे अपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे 98% ऑफ द सरफेस एरिया में उनसे कहीं ज्यादा हायर लेवल्स एयर पोल्यूशन के हैं। तो यह कहना कि एयर पोल्यूशन नॉर्थ की समस्या है, आज यह गलत है, यह पूरे देश की समस्या है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत क्लियर कट एविडेंस है कि हमारी पुरानी जनरेशन यानी हमारे वृद्ध, हमारी प्रेजेंट जनरेशन यानी हम लोग, और हमारी फ्यूचर जनरेशन यानी वो बच्चे जो गर्भवती महिलाओं के पेट में अभी पल रहे हैं, जिन्होंने जन्म तक लिया है, ये तीनों जनरेशंस इसके इफेक्ट से बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। आपने खुद मेंशन किया कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ, समय से पहले प्रसव, प्रसव के टाइम पे बहुत सारी समस्याएं, जन्म के बाद में ब्रोंकियोलाइटिस की प्रॉब्लम, न्यूमोनिया की प्रॉब्लम, बाद में ग्रोथ रिटार्डेशन, IQ डेवलपमेंट कम होना, लंग कैपेसिटी कम होना, प्रीमेच्योर हाइपरटेंशन। निधि, इतनी लंबी लिस्ट है कि दिमाग से लेकर पैर तक कोई एरिया नहीं है जो अफेक्ट नहीं होता। यह हमारे लिए डिजीज कर रहा है, डिसेबिलिटी कर रहा है, और मिलियंस ऑफ प्री मैच्योर डेथ्स कर रहा है। मैं एस चेस्ट सर्जन आपको बताना चाहूंगा कि आज 50% लंग कैंसर के पेशेंट्स मेरे सो कॉल्ड नॉन स्मोकर्स होते हैं। मैं उनको सो कॉल्ड वर्ड यूज करता हूं क्योंकि इंडिया में कोई नॉन स्मोकर नहीं है। आपने कहा आज PM2.5 या AQI 400 है, तो ये 400 करीब 20 सिगरेट पर डे के बराबर है। आज दिल्ली का हर निवासी 20 सिगरेट पर डे के बराबर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हम 25,000 बार दिन में सांस लेते हैं जिसको हम रोक नहीं सकते। तो यह एक, मेरे लिए तो यह एक हेल्थ इमरजेंसी है। और सबसे असंतोष की और अचंभे की बात यह है कि हर साल एयर पोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में कोविड ने जितने लोग मारे थे उससे ज्यादा लोगों को डिजीज और डिसेबिलिटी और डेथ कॉज करता है, लेकिन एयर पोल्यूशन को वो तवज्जो और वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट या इमरजेंसी रिएक्शन नहीं मिलता जो कोविड को दिया गया था, और इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को सीरियस सीरियस नुकसान हो रहा है। सर सर सर, आप लोगों को इस समय क्या कहेंगे? मेरी तो खुद खांसी एक महीने से खराब है, और जो हमारे प्रोडक्शन के लोग हैं वो कहते हैं मैम क्लियर योर थ्रोट, बार बार खांसी आती है। आप बताइए किस तरह से लोग अपना ध्यान रखें इस समय, स्टीमिंग, गार्गलिंग, उससे आगे बढ़े क्या करें?
निधि, मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यूअसली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जिसको मैं एनुअल पोल्यूशन सीजन कहता हूं, आप सब लोग भी इस एरिया में बहुत सक्रिय हो जाते हैं जब ये नवंबर में ये सब शुरू होता है, और फरवरी के बाद सब लोग इस पे भूल जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि अगर बाहर की हवा AQI 400 है, 20 सिगरेट के बराबर धुआं वहां है, और हमें सांस 25,000 बार हर हालत में लेना ही लेना है, हम उसको रोक नहीं सकते, तो कैसे, मतलब मैं आपको क्या वो बताऊं, हर बार मुझसे यही सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर अरविंद कुछ बताइए जिससे हम बचाव कर सकें। लोग कहते हैं मास्क लगा लीजिए, तो मास्क, पहली बात तो कपड़े का मास्क और सर्जिकल मास्क तो कुछ नहीं करते। हाँ, N95 अगर आप लगाएंगे, टाइटली फिटिंग लगाएंगे, तो जितने देर आप कंप्लीट सांस N95 के थ्रू ले रहे हैं, आपको कम से कम पार्टिकुलेट मैटर से छुटकारा मिलेगा, गैसेस N95 से भी निकल जाती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं निधि, क्या आप टीवी पर एंकरिंग का काम मास्क लगा के कर सकती हैं? आप 24/7 हमेशा क्या मास्क, आप बताइए इस समय आप N95 लगा के, क्या मैं कह सकता हूं निधि आप N95 लगाइए? नहीं संभव है। लोग एयर प्योरीफायर की बात करते हैं, स्मॉग टॉवर्स की बात करते हैं, सब मजाक है। आप एयर प्योरीफायर, एक छोटी सी जगह को, एयर को प्योरीफाई कर सकता है अगर विंडो और डोर तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन क्या पूरा देश अगले 3 महीने के लिए कमरों के अंदर एयर प्योरीफायर्स लगा के बंद हो सकता है? निधि, नहीं हो सकता। नहीं हो यह सकता। हमारी मेजर समस्या है, चाहे इसमें फॉसिल फ्यूल का यूज, चाहे वो कोल हो, लिक्विड फॉर्म में हो यानी ऑयल, और गैस फॉर्म में। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो हमारी गैस है, गैस बहुत अच्छी है। नहीं, गैस से भी मीथेन बनती है, और गैस भी हमारे क्लाइमेट क्राइसिस को कंट्रीब्यूट कर रही है। जी इसका सॉल्यूशन, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, जिसके लिए सिद्धांत पूर्वक कुछ मेन मूलभूत चेंजेस होने हैं, जिसके बारे में डिस्कशन बहुत होता है, जी लेकिन निधि जो अर्जेंसी चाहिए वो अर्जेंसी नहीं है, और इसीलिए हर साल पिछले 8 साल से नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम ये सब डिस्कस करते हैं, और अगले साल फिर वही रिपीट होता बिल्कुल है, बिल्कुल, इसका गलती कोई हमारी भी है परमानेंट सर, सलूशन। बिल्कुल बिल्कुल गलती हमारी भी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कुछ लोग तो सुन रहे होंगे, और गंभीरता से जो एयर इमरजेंसी में जिस तरह से आप कह रहे हैं 98% हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो असर हो रहा है निधि, इससे। हमारे जी बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, मैं एक अपील पे यहां बंद जी करना चाहूंगा, इट्स ए बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर। और इसी पर सर, इसी अपील के साथ उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस पर कदम उठाएं और गंभीरता से हम एयर इमरजेंसी पर तवज्जो दें और कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।